हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ चीज़ी और क्रीमी वाइट सॉस सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही फटाफट से बन जाती है, एकदम क्रीमी दिख रही है, काफ़ी चीज़ी भी है। और आज हम इसको फ्राई पैन में बनाएंगे, तो दोस्तों आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्रीमी और चीज़ी सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन में ना 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके डाल देंगे और इसको ना लो फ्लेम पर हम सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। जब प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हरी शिमला मिर्च, इसी के साथ रेड वाली शिमला मिर्च भी है, इसको भी डाल दूँगी। थोड़ी सी पीली वाली शिमला मिर्च डाल रही हूँ, कॉर्न्स डालूँगी और इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद ना मेरे पास एकदम बारीक कटा हुआ गाजर भी है, तो इसको भी मैं डाल दूँगी। आपको जो वेजीज पसंद है ना, अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो मशरूम डाल सकते हैं, पनीर का यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हल्का सा मैंने कुक किया है, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 मिनट सब्जियों को सॉटे करने के बाद हम निकाल लेंगे। सब्जियों को साइड निकाल कर सेम पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, लगभग 1 चम्मच जितना। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद ना हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच मैदा। और अब ना अपनी फ्लेम को एकदम लो रखिएगा और मैदा को ना बटर के साथ भूनना है। लगभग आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लीजिएगा। कुछ देर के बाद ना मैदा का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इससे अच्छी खुशबू आने लगेगी हल्की सी। तो फ्लेम को एकदम लो ही रखिएगा इस स्टेज पे भी। और ना मैदा हल्का सा लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा। तो इस स्टेज पर ना आप इसमें दूध कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 250 ml दूध लिया है। इसको थोड़े थोड़े बैचेस में डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ पूरा डाल देंगे ना तो लम्स बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपका फिर भी लम्स खत्म नहीं होता है तो फिर हैंड विस्कर का यूज़ करके आप इसके लम्स को ख़त्म कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है, इसलिए मैं हैंड विस्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो स्टील का होता है तो इसमें स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इसलिए स्पैचुला से ही मैंने यहाँ पे लम्स को अच्छे से ख़त्म किया है और फिर से दूध ऐड किया है। टोटल यहाँ पर मैंने 250 ml दूध का यूज़ किया है और धीरे धीरे मिक्स करते करते ये देख सकते हैं आप, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं है। सो बस ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब ना इसमें पूरे दूध को मैंने डाल दिया है और अब ना इसको 1 से 1.5 मिनट तक मैंने कुक किया है। ये हल्का सा थिक और क्रीमी हो जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट। तो इस कंसिस्टेंसी पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी, इसी के साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, इसको भी डालकर मिक्स कर दूंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वाइट सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ना हम इसकी एक बार कंसिस्टेंसी को भी चेक कर लेते हैं। हल्की सी थिक और क्रीमी रहेगी, ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी रहेगी। बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। चम्मच को इस तरह से कोट कर रहा है ये। सो बस अब जो हमने वेजीज को अपने कुक करके रखा हुआ है ना पहले, वो डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ना इसको जस्ट हल्का सा थिक होने तक कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी थिक होगा। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम अपने गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल के ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस लेना है आपको। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहो तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर से बटर लगाया है मैंने अच्छे से, और इसके बाद थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इसको भी अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से बिल्कुल ऐसे। अगर आपको ये और भी क्रीमी पसंद है तो आप यहाँ पे मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे। जस्ट दैट कि पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से ना वो हल्का सा तीखापन आ जाएगा इसमें। इसके बाद ना यहाँ पे जो हमने वाइट सॉस प्रिपेयर किया है, ये हल्का सा ठंडा होने के बाद थिक हो गया है, तो इसको भी हम ऊपर से इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। सो बस ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है। इसके ऊपर से एक चीज़ स्लाइस रख देंगे और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ऊपर से डाल रहे हैं, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे और बस अब ये बेक होने के लिए तैयार हो गया है। चलते हैं अब इसको बेक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर ना आज हम इसको फ्राई पैन में टोस्ट करने वाले हैं। तो पैन में थोड़ा सा पहले बटर लगा देंगे और यहाँ पर ना मैंने अपने ब्रेड स्लाइसेस को रेडी करके रखा हुआ है। वैसे आप चाहें ना तो आप इसमें चीज़ स्लाइस को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ भी हमने डाला है। या फिर अगर आप चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रहे हैं तो मोज़रेला चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है और इसको ढक देंगे हम इस तरह से। पानी को ना साइड में डालना है, इससे क्या होगा ना बहुत ही अच्छा अंदर में वेपर बनेगा और चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और आपका ब्रेड जलेगा भी नहीं। तो ब्रेड को मैंने लो फ्लेम पर तब तक बेक किया है जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है, चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम चीज़ी और क्रीमी दिख रहा है।
और नीचे साइड से हमारा ब्रेड जला भी नहीं है। सो बस अब हम इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बना है, आप देख सकते हो। मैं आपको इसको बैक साइड से दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल भी जला नहीं है, काफ़ी अच्छा कलर भी आया है और बहुत ही चीज़ी भी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।